नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के फरीदाबाद में दीपावली के मौके पर सुभाष कॉलोनी में हिंदू परिवार पर हुए हमले और मारपीट के मामले में पुलिस ने एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस मामले में शामिल रहे अन्य व्यक्तियों की तलाश में लगी हुई है। विवाद पटाखे चलाने पर हुआ था। बल्लभगढ़ के एसीपी महेश कुमार ने बताया कि सुभाष कॉलोनी में 27 अक्टूबर की रात को दुर्गा प्रसाद के बेटे ने पटाखा चलाया था। वहीं साथ में रहने वाले विशेष समुदाय के परिवार ने पटाखे चलाने का विरोध किया था। इसके बाद विवाद बढ़ता चला गया और दोनों परिवारों में जमकर मारपीट हुई। दुर्गा प्रसाद ने थाने में इसकी शिकायत दी। शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी आसिफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता रिंकू शर्मा की रिपोर्ट। कॉलोनी में एक परिवार को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है किसी विशेष समुदाय द्वारा। क्या ये पूरा मामला है, घर इतनी बड़ा रूप क्यों ले लिया इस मामले? ये दुर्गा प्रसाद है जो सुभाष कॉलोनी में रहता है, उसके सामने कुछ मुस्लिम परिवार भी और हिंदू परिवार भी आसपास रहते हैं। ये 27 तारीख को शाम को करीब 9 बजे इनका जो लड़का है वो वहां पे पटाखे चला रहा था, तो पटाखे चलाते टाइम वो दूसरे समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने थोड़ा विरोध किया। विरोध करने के बाद फिर इनमें आपस में इनके कहासुनी हुई और इनका झगड़ा हो गया, जिस पर इन्होंने हमारे को कंप्लेंट दी, हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा दर्ज करने के बाद आज उनमें से एक आदमी को हमने अरेस्ट कर लिया है। इसमें आसिफ नाम का जो लड़का है उसको हमने अरेस्ट कर लिया है। बाकी जो गिरफ्तारी हमारी पेंडिंग है उनको जल्द से जल्द हम गिरफ्तार करेंगे। और जो इस तरह की चीजें आ रही हैं सामने के कुछ शरारती तत्वों की वजह से कि भाई कुछ पलायन का या कुछ और तरह की चीजें सामने आ रही हैं, उनका वहां पे जो और हिंदू परिवार है उनसे हमने बात की है, उनको किसी को कोई समस्या वहां पे रहने में नहीं है। आपस में सब लोग पहले से ही मिलजुल कर रह रहे हैं वहां पे, और इन्होंने पहले भी दुर्गा प्रसाद ने एक मकान बेचा हुआ है करीब 1.5-2 महीने पहले, और ये दूसरा मकान भी बेचना चाहता है। सिर्फ इतनी सी बात थी इसमें, बाकी जो झगड़ा हुआ उसमें हम गिरफ्तार कर रहे हैं। बेचने का फिर इनसे क्या संबंध है सर? इसका आज ये मेरे को सुनने में आया कि भाई इसका संबंध इससे बनाया जा रहा है कि भाई ये छोड़ के जा रहा है अपना मकान। खुद बयान दे रहा है सर कि हम इनकी वजह से परेशान होकर मकान बेच रहे हैं, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं। मैं वही बात आपको बताना चाह रहा हूं कि इसने एक मकान 1.5 महीने पहले बेच दिया था, क्योंकि हमने ये बात जाके पता करी तो वहां पे जो और हिंदू परिवार रह रहे हैं किसी को कोई भी समस्या नहीं है वहां पर, ना हिंदू से है ना मुसलमान से है, वो सब अच्छे तरह से रहे। तो यह पता लगा कि पहले भी दो परिवार यहां से बेचकर जा चुके हैं मकान, और उन्होंने मौके पर अपना बयान भी दिया वहां पर ऑन कैमरा, क्योंकि उनके भी झगड़े हुए सीसीटीवी मामले हैं, उनके सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग है उनकी। सबके अपने पर्सनल कुछ ना कुछ समस्याएं रही होंगी, क्योंकि हमने जो पता किया है, हमने जाके वहां लोगों से बात की है, तो हमारे सामने इस तरह की कोई बात नहीं आई कि इसी कारण से छोड़ के जाना जो वो लोग छोड़ के जा रहे हैं। इसी साथ क्या मामला इतना बड़ा, ये पटाखे को लेकर के बात शुरू हुई, इसका कुछ जांच पड़ताल भी है कि आखिर क्या पटाखे को लेकर ही झगड़ा हुआ है या कुछ और वजह इसकी? इसमें ये पटाखे को लेकर ही झगड़ा हुआ था, उनके परिवार वालों ने, जो दूसरे लोग हैं उन्होंने 2-4 बार इनको कहा कि भाई यहाँ पे पटाखे ना चलाओ, उनके घर के सामने बच्चा पटाखे चला रहा था क्योंकि घर उनके आसपास ही, तो इस वजह से इनकी झगड़ा शुरू हुआ था। कहीं ना कहीं जो पीड़ित पक्ष है वो आरोप लगा रहा है कि एक बार नहीं, इससे पहले भी कई बार जो है इस तरह की वारदात हो चुकी है और हर बार जो है वो मामला दबा दिया जाता है। इस तरह की पहली कोई ऐसी चीज संज्ञान में हमारे नहीं आई, तो ये ही हमारे पास जो खिलाफ मामला दर्ज है। और कब तक इनकी गिरफ्तारी होगी और अब तक क्या गिरफ्तार किए? इसमें 8 लोग जिन्होंने लिखवाए हैं बाई नेम, और उसके बाद 50-60 इन्होंने लिखवाए हैं, लेकिन वीडियो में उतने लोग नहीं है। इनमें से जो मैंने एक लड़का आज हमने गिरफ्तार किया है आसिफ, बाकी जो और लोग हैं उनको भी हम जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। कितने लोगों के खिलाफ मामला? बाई नेम इसमें 8 है, बाकी तो 50-60 अन्य लिखवाए हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जो भी इन्वॉल्व होगा उसको अरेस्ट करेंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।